कितना फेमस भी मूवी होगा टिकट मिलना ही मिलना है। ऑनलाइन टिकट बुक करना और ऑफलाइन टिकट बुक करने में बहुत डिफरेंस है। और तब जब आप एक लोकल सिनेमा हॉल में आते हो वहाँ, ओके, तो आज मैं आया हूँ बिजू सिनेमा हॉल जो कि 1939 में एस्टेब्लिश हो चुका था इंडिपेंडेंस से भी पहले। तो अगर आप बुक माई शो या फिर पेटीएम वगैरह से जाके टिकट बुक करते हो और यहाँ डायरेक्ट आके अपने टिकट को बुक करते हो तो उसमें डिफरेंस कितना होगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने कल रात को चेक किया था 3 टिकट का दाम, वैसे यहाँ पे जो टॉप वाला जो है वो 60 रुपीज़ का है। तो वही सेम टिकट अगर आप बुक माई शो से जाके अगर बुक करते हो तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होता है, 20 रुपीज़, और यहाँ से आके बुक करते हो तो 60 में हो जाएगा। लेकिन बुक माई शो या फिर पेटीएम वगैरह से करोगे तो आपको 80 रुपीज़ देना होता है। तो मैं यही बोलूँगा आप यहीं से डायरेक्ट अपना टिकट बुक करो क्योंकि ये सिनेमा हॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। जब भी आओगे आपको टिकट ईजिली अवेलेबल होता है, ओके, 5 मिनट्स पहले आने से भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। एनी टाइम आओ, कितना फेमस भी मूवी होगा टिकट मिलना ही मिलना है, क्योंकि यहाँ में लोग प्रीफर नहीं करते हैं ज़्यादा जाने के लिए क्योंकि एक लोकल सिनेमा हॉल है। बट अच्छा है, मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ क्या कैसे है, साउंड क्वालिटी वगैरह अच्छा है, मैंने पहले भी यहाँ पे जाके चेक कर चुका हूँ, ऐसा बात नहीं, तो काफ़ी अच्छा है। तो अंदर जाते हैं और मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैंने 3 टिकट ले लिया है जो कि 180 रुपीज़ पड़ा। और बात करें यहाँ पे सीट नंबर वगैरह लिखा है लेकिन ये मैटर नहीं करता है, आप अंदर में जाओगे तो लाइन बाई लाइन ही बैठाएंगे, यहाँ पे जो सीट नंबर लिखा है उससे मैटर नहीं करता है, आपको वो लोग लाइन बाई लाइन ही बैठाएंगे, आपका मर्जी के हिसाब से नहीं बैठाएंगे। तो 180 रुपीज़ हुआ। अगर सेम चीज़ आप अगर ऑनलाइन बुक करते तो 220 रुपीज़ के आसपास लग जाता, 40 रुपया जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेज वगैरह होते हैं वो सब लग जाते हैं। तो मैं बोलूँगा आप यहीं से डायरेक्ट आके टिकट बुक करना, टेंशन मत करना कि टिकट नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। और ये सबसे सस्ता हॉल है शिलोंग का और अच्छा भी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आप कभी भी मूवी देखने आते हो तो ऐसे शिलोंग में 4-5 मूवी थिएटर्स हैं, जैसे कि पायल है, बिजू है, गोल्ड है और एक जो भी है, लेकिन एक पायल है जो डोमिनोज के पास है, आप वहाँ में बिल्कुल मत जाना, ओके, काफ़ी घटिया क्वालिटी है और दाम भी उतना ही लेता है बिजू के जैसा। तो आप बिजू में आना प्रीफर करना और वहाँ तो टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो बिजू में, और पायल में नहीं कर पाओगे, सीट की क्वालिटी घटिया है प्लस साउंड क्वालिटी प्लस वीडियो ए टू जेड जितना है सब किया है, बिल्कुल मत जाना मैं बोल देता हूँ। और टिकट का प्राइस वही 60 रुपीज़ के आसपास है, बट आपको जाने की ज़रूरत नहीं हो, मूवी अच्छा भी हो तो मत जाना वरना आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा वहाँ पे जाके, ओके। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ शिलोंग कैसा है, काफ़ी अच्छा है, मैंने वैसे पहले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ लेकिन कोई नहीं, फिर से एक बार दिखाता हूँ। आयारिया जो कि अंदर में जाने के बाद मालूम चला था कि आयारिया मूवी है। तो ये विदाउट प्लानिंग के साथ गए थे हम लोग, कोई प्लानिंग वगैरह नहीं किए थे और अंदर में जाके बहुत लोग सो गया था, ये सो गया था देख लीजिए, आँख देख लीजिए ये सो गया था, ओके। काफ़ी घटिया मूवी है, मत जाओ, रिकमेंड नहीं करता हूँ, इससे अच्छा कोई दूसरा मूवी जाके देखो और चिल करो, ओके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिलायंस, देखते हैं क्या कहते हैं, ओके।
KFC में गए थे खाने के लिए, लेकिन जो हमें चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। दूसरा चीज़ क्यों खाएं, फ्री में तो कोई दे नहीं रहा है कि जो मिले वो खा ले। ओके, ऐसा लगता है, इसीलिए जो मन करे वही खाओ। तो वो अभी तो जा रहे हैं, हाँ हाँ, टाइम हो रहा है अराउंड 5:30। और आप देख लो यहाँ का नज़ारा, अभी शायद आगे जाएंगे ऐसा लग रहा है। अभी लोग देखिए क्या बोल रहा हूँ, जो जैसे